इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये लकड़ी का एक पट्टा है, इसपे हम एग नहीं काटेंगे, एग को ऐसे काटेंगे। इसमें हम ऑनियन काटेंगे, एक ऑनियन तो मेरा यहाँ गिर गया था, दूसरा ऑनियन कहाँ है भाई, उसके अंदर गया है क्या, किधर गया, ये एक ऑनियन मिल गया। हाँ तो ये दो ऑनियन है, दो ऑनियन को हम काटेंगे। तो गाइस ये हमारे पास प्याज आ चुका है, ये देख सकते हैं, और मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं है, अभी कहाँ रखूँ कैमरा, फिर भी मैं अभी रख दिया हूँ वहाँ फर्श पे रख दिया हूँ, और अभी मैं प्याज काटता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्याज को छील लेंगे ऐसे चाकू से, इसके मुंडी साइड को ऊपर से हल्का सा काटेंगे, देन इसको भी काट देते हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी छील लेता हूँ, क्योंकि अगर आराम से छीलते रहूँगा तो सालों गुजर जाएंगे। इसको फिर मैं छोटे छोटे पीस काट लूंगा। तो फाइनली गाइस मेरा प्याज कट चुका है, अब मैं काटने वाला हूँ मिर्ची, तो मिर्ची लेने जाता हूँ और मिर्ची काटता हूँ। तो ये दोस्तों धनिया के कुछ पत्ते भी मैं ले आया हूँ ताकि टेस्टी लगे, और एक मिर्ची एक पीस ही डालेंगे। ये रहा मिर्ची, चलिए इसको डालता हूँ, धो लेता हूँ थोड़ा। तो हम बारीक काट लेंगे, अच्छे तरह के से काटने से और स्वादिष्ट लगता है। धनिया पत्ता को भी हम अच्छे से काट लेंगे। तो ये सब कट गया है, तैयार है, अब मैं एग लेने जाता हूँ। तो गाइस ये चार अंडे मैं ले लिया हूँ, और ये चार अंडे को मैं अभी इसमें बाउल में डालने वाला हूँ, चलिए डालते हैं। मैं लगभग बहुत सारे लोग गाइस इसको या तो चम्मच से का इस्तेमाल करते हैं इसको फोड़ने के लिए, लेकिन कल मैं एक टेक्निक सिखाऊं उसको मैं अप्लाई करने वाला हूं यहां, कि बिना चम्मच के हम कैसे इसमें लगाएंगे। चलिए देखते हैं, फोकस इसमें करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का से इसमें मारेंगे थोड़ा सा, हाँ, अब फिर इसको ये दो उंगली में यहाँ से दबाते हुए ऐसा थोड़ा सा, ये फर्स्ट टाइम था मेरा तो अच्छे से हुआ नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से होगा लग रहा है। ये ऐसा दो उंगली से इसको ऐसा, ये ऐसा, ओ ये छिलका जा रहा है, तो ऐसा पकड़ना है और इसको दबाना है, जोर से दबाया ना तो ऐसे एक पूरा फैल के दबाना है। ठीक है, लगता है 10,000 अंडे तक मैं सीख जाऊंगा ये सब। तो और डालो? नहीं हो गया ना। तो ये जीरा डाल दिए हैं, और ये हल्दी, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, मिर्ची मत डाल। So there is no oil. I have to... तो दोस्तों देखिए कढ़ाई को हम गरम कर लिए हैं, कढ़ाई गरम हो रहा है, देखिए तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची। हाँ फिर ये डाले हम प्याज, ये स्वाद अनुसार नमक, बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिए ताकि ये प्याज जले नहीं। हल्दी उसमें तो डाल दिए, अब क्या डालेंगे? हल्दी इसमें डाल दिया है, नमक भी उसमें डाल देते हैं। क्या मंडे को लाए, मिक्स कर रहे हैं, ले भी देते लगा।
देखिए हम अंडे को डाल चुके हैं कढ़ाई में। गैस थोड़ी धीमी आंच पे कर दीजिए ताकि आपका एग जले ना। और ये गरम मसाला, अगर आप गरम मसाला इसमें डालते हैं तो आपको अलग ही लेवल का टेस्ट मिलेगा। और ये गरम मसाला डाले हम स्वाद अनुसार। जो ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी लाभकारी है। और ये आपका अंडा मुर्गी हो गया तैयार। और ये सुबह का मिक्स वेज बरबट्टी और आलू हम गरम करके खा रहे हैं क्योंकि फेंकना नहीं चाहिए। और ये अंडा, स्वादिष्ट अंडा तैयार हो गया। अब आप जी भर के खा सकते हो। ट्रांसफर कर दो। उसका क्या नाम है सर? इसका नाम झुनगा। अरहर, अरहर की दाल। दाल तो नहीं है, गुर गुर घुघर का गुर गुर। दाल बनाने से पहले ही इसको खा ले। तो दोस्तों बन चुका है हमारा सब चीज। अब हम टेबल पे ले चलते हैं इन्हें। तो इतना सारा है दोस्तों आज खाने में। और आज हम नीचे बैठने वाले हैं, काफी मजा आएगा। दोस्तों ये है छेना, मतलब मलाई से बनाया हुआ रसगुल्ला। घर में बनाया गया रसगुल्ला है जो बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। कितना अच्छा लग रहा है देखिए। खाने में के बाद आप लोगों को बताऊंगा, रिव्यू दूंगा कि कैसे लग रहा है। तो दोस्तों खाना हो गया ख़त्म और अभी करीब 11:10 होने वाला है और मेरा बेड रेडी है तो मैं अभी सोने वाला हूँ। तो आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं क्योंकि अभी कोविड फैल रहा है। और आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। ओके, मिलते हैं, बाय।